एक तरफ जहां गाजा में इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमास भी इजरायली फौज के हमलों का कड़ा जवाब दे रहा है। जी हां, अभी तक कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें हमास के लड़ाके गोरिल्ला स्टाइल में IDF पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो गाजा के शेख रिडवान इलाके का है, जहां पर इजरायली सैनिक गए तो थे हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमास के लड़ाके उनसे दो कदम आगे निकलेंगे। दरअसल यहां पर हमास के लड़ाकों ने सुरंगों में विस्फोटक बिछाया हुआ था और बाहर से हमास के लड़ाके ड्रोन के जरिए IDF पर नजर रखे हुए थे और देखते ही देखते IDF के जवान हमास के जाल में फंसते जाते हैं और सामने एक कैमरे में पहले जासूसी कुत्ता जाता है और कुत्ते के पीछे पीछे इजरायली सैनिक। और वीडियो में दिख रहा है कि इसी कमरे में एक सुरंग होती है जिसमें हमास के लड़ाके छिपे होते हैं और IDF के जवान हमास के लड़ाकों का पीछा करते हुए इस सुरंग में घुस जाते हैं। हालांकि इस दौरान थोड़ी फायरिंग भी होती है, लेकिन हमास के लड़ाके अचानक से गोलीबारी करते हुए पीछे भाग जाते हैं और जैसे ही IDF के जवान उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सुरंग में एक बड़ा धमाका हो जाता है और देखते ही देखते पूरी सुरंग धुएं से भर जाती है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हमास ने इस तरकीब का इस्तेमाल करते हुए IDF के जवानों को फंसाया है। इससे पहले भी पूरे गाजा में हमास IDF को बूबी ट्रैप में फंसा चुका है। दरअसल बूबी ट्रैप हमास की एक ऐसी तरकीब है जिसके तहत सुरंग में बारूद बिछा दिया जाता है और धोखे से इजरायली सैनिकों को उस सुरंग तक लाया जाता है और जैसे ही IDF सुरंग में दाखिल होती है, वैसे ही विस्फोटक फट जाता है।